आज के शो में हेस्कोल पेट्रोलियम कंपनी की जानिब से 54 अरब रुपए से जायद का बैंक डिफॉल्ट, मुबैना मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग, एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की बड़ी कार्रवाई, नेशनल बैंक और हेस्कोल के साबिक और मौजूदा अफसरान समेत 30 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्सलाम वालेकुम, पस पर्दा हकायक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज आपके सामने एक पेट्रोलियम कंपनी का किस्सा आपके सामने रखेंगे जो कि एफआईए की तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का शायद सब में बड़ा फाइनेंशियल स्कैम बनने जा रहा है। 54 अरब रुपए के डिफॉल्ट का मामला है, इसके साथ साथ इसमें किस तरीके से अपने एसेट्स को एग्जैजरेट करके लोन्स का हसूल या जो इस वक्त लोन रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी का हसूल हुआ और बहुत सी अहम तफसीलात हैं इस स्कैम से मुतल्लिक। हम आपको आगाह अगर करें तो इसमें जो कलूजन सामने आया हेस्कोल जिस कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी इनकॉपरेट हुई थी साल 2001 में, मार्च 2001 में। मुमताज़ हसन खान साहब जो थे इनके फाउंडर थे, जिन्होंने इस कंपनी को इनकॉपरेट किया था। फिर साल 2007 में ये कंपनी एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी बनी थी, उसके बाद फिर ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कराची स्टॉक एक्सचेंज में 2014 के अंदर जो है लिस्ट कर दी गई थी। इस कंपनी के हवाले से जो आज आपके सामने हम आपको बताएंगे कि ये जो इसका सफ़र है साल 2001 से 2014, लेकिन इसके बाद फिर इसका जो डिफॉल्ट और जो पूरा जो स्कैम सामने आया 54 अरब रुपये का, ये जो बीच का अरसा था ये किस तरह से हुआ, इसमें कौन कौन शामिल था, किस तरह से ये कोलूजन हुआ, मुबैना तौर पे एफआईए की तहकीकात क्या बताती हैं, कौन कौन से ऑफिशल्स इन्वॉल्व थे और किस तरीके से 54 अरब रुपये का नुकसान कौमी ख़जाने को पहुँचाया गया, ये बड़ी अहम और सनसनीखेज तफसीलात हैं इस प्रोग्राम में। इसका आगाज़ करते हुए जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मामला है एक स्कैम और डिफॉल्ट का, जिसकी जो टोटल हजम है वो तकरीबन 54 बिलियन रुपीज़ बनता है। इसमें जो एफआईए की तहकीकात है वो बताती है कि इसमें खुद जो स्पॉन्सर्स और डायरेक्टर्स हैं हेस्कोल कंपनी के और इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कुछ अफसरान की मिली भगत के साथ ये तकरीबन 54 अरब रुपये का स्कैम जो है वो हुआ। और इसकी मजीद जो हम तफसीलात और इसकी तहकीकती रिपोर्ट जो आपके सामने चल रही है इसकी डिटेल्स आपके सामने रखें तो बताया जा रुपये का स्कैम जो है वो हुआ। और इसकी मजीद जो हम तफसीलात और इसकी तहकीकती रिपोर्ट जो आपके सामने चल रही है इसकी डिटेल्स आपके सामने रखें तो बताया जाता है कि तकरीबन 2014 में ये लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज में और साल 2015 से साल 2020 इन 5 साल के दौरान इसकी जो फैसिलिटीज़ जो एक्सपोजर होता है नेशनल बैंक का ये बढ़ता रहता है। इसको नॉन फंडेड, फंडेड फैसिलिटीज़, बैंक लोन्स, इसमें मुसलसल एक इजाफा होता है और इस इजाफे के अंदर एफआईए की तहकीकात के मुताबिक जो मुलविस हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कुछ लोग जो कि सैंक्शन कर रहे थे अथॉरिटी पे, या फिर वो लोग जो कि इस वक्त इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे या जो सैंक्शनिंग में थे, इम्प्लीमेंटेशन में थे, और इसी तरह से वो लोग जो कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, ये इस तरह के अफसरान जो थे, जो ऑफिशियल थे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुलविस थे। और ये मुबैना मिली भगत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया एफआईए ने कि मिली भगत के साथ ये 54 अरब रुपये का डिफॉल्ट या स्कैम जो है ये हमारे सामने आया। ये हुआ किस तरीके से, अब आप सब ये जानना चाहेंगे। मैं आपके सामने जो स्क्रीन पर आप देखेंगे जो रिपोर्ट चल रही है स्क्रीन में, तो आपको एक पूरी टाइमलाइन के साथ आपको समझाते हैं कि मामला आखिर है क्या और किस तरीके से हुआ। एक कंपनी हेस्कोल जो कि रजिस्टर इसलिए होती है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर कि उसका जो काम होगा बुनियादी तौर पर वो 3 चीज़ें होंगी। एक, वो प्रोक्योरमेंट करेगी पेट्रोलियम, केमिकल और एलपीजी की। दो, वो उसकी स्टोरेज करेगी। और 3, वो उसकी मार्केटिंग में इन्वॉल्व होगी। इस बेसिक काम के लिए कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेट होती है। इसको जो एक्सपोजर और इसका जो लोन फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें मुसलसल जो इजाफा होता है उसकी टाइमलाइन की तरफ आपको लेके चलते हैं। इस टाइमलाइन के मुताबिक जब ये कंपनी जो पहला इसको लोन फैसिलिटी ग्रांट की गई थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो 10 जून 2014 को थी 2 अरब रुपये की, यानी 2 अरब रुपये का इसको लोन इस पर फैसिलिटी ग्रांट की गई थी जून 10, 2014 को, जिसके बाद 18 महीने जो उसके बाद के थे उसके अंदर इस फैसिलिटी ने पीक किया, यानी 2 अरब से ये बढ़कर अमाउंट 5 अरब तक चली गई। और उस वक्त जो नेशनल बैंक के सदर थे उनके खिलाफ एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया है कि ये 2 से 5 अरब तक चली गई। उसके बाद डेट आती है 2017 की और 2017 में एग्जैक्ट आपके सामने रखता हूँ, मई 2017 से नवंबर 2018 माह के दौरान ये एक्सपोजर मजीद बढ़ता है। ये एक्सपोजर तकरीबन 313% बढ़ता है और बढ़कर 15.65 अरब रुपये हो जाता है। यानी जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हेस्कोल कंपनी को दी हुई थी
वो अगर आपको समझाएं दोबारा से तो बताएं कि 2014 में 2 अरब रुपए की पहली फैसिलिटी आती है, जो कुछ माह में 18 माह के अंदर बढ़कर 5 अरब तक पहुंचती है, फिर साल 2017 से 2018 के जो 18 माह है इस दौरान ये बढ़कर 5 अरब से तकरीबन 15.65 अरब रुपए तक पहुंच जाती है। तो ये 2 अरब से 15.65 अरब तक पहुंचती है और उसके बाद वहां भी नहीं रुकती। अक्टूबर 2018 के अंदर मजीद 6 अरब रुपए की जो LC फैसिलिटी अवेल होती है और इनका जो टोटल एक्सपोजर है बढ़कर 18 अरब तक पहुंच जाता है, 18 बिलियन रुपीज तक जो है पहुंच जाता है। इस दौरान जो नेशनल बैंक के 2 सबक सदूर जिनके खिलाफ FIR इस पर दर्ज करने का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एक तो इकबाल अशरफ साहब हैं, एक सईद अहमद साहब हैं। इस प्रोग्राम से कबल हमने वो तमाम ऑफिशल्स जो कि हेस्कोल के हैं और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं, उनको हमने बाकायदा जो जो उनके नोटिफाइड एड्रेसेस या जो जो उस वक्त उनके नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स थे, और इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी हम उनको दावत दे रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं तो अपना मौकफ़ दे सकते हैं। लेकिन ये वो तमाम फैक्ट्स हैं जो कि FIA की तहकीकात में सामने आए हैं, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर 8, 2018 को आखिरी जो फिर एक बार फैसिलिटी बढ़ी और ये बढ़कर 6 अरब रुपये बढ़ी, और इसके बाद जो FIA की तहकीकाती रिपोर्ट एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल करती है वो आपके सामने रखते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि 2 एक्स प्रेसिडेंट सेंक्शन लोन्स थ्रू द क्रेडिट कमिटीज अब्यूजिंग देयर ऑफिशियल पोजिशन। अगर आप इसको NAB लॉज में समझें तो दिस इज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, यानी अपनी ऑफिशियल पोजिशन का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्रेडिट कमेटी से ये लोन सैंक्शन करवाए। और जिस तरह मैंने इससे कबल कहा कि FIA की इस रिपोर्ट में न सिर्फ सैंक्शन करने वाले बल्कि वो लोग जो कि इसको इंप्लीमेंट कर रहे थे और वो लोग जो कि नेशनल बैंक की तरफ से इसको मॉनिटर कर रहे थे, उन तमाम अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 30 लोगों पर ये मुकदमा दर्ज किए गए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मौकफ आपके सामने मैं यहां रख देता हूं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एग्जैक्ट अल्फाज में अपना मौकफ दिया है उसमें कहा है जी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज बीन एंड कंटिन्यूज टू कॉपरेट फुली विद द FIA, यानी हम FIA के साथ मुकम्मल तआवुन कर रहे हैं ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन एंड मेक अवेलेबल ऑल रेलिवेंट रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शनल हिस्ट्री इंक्लूडिंग अरेंजिंग मीटिंग विद इट्स एम्प्लॉइज हु हैव मैनेज्ड द हेस्कोल रिलेशनशिप विद NBP। यानी हम पूरा तआवुन कर रहे हैं भरपूर तरीके से, हत्ता के जिन मुलाजमीन ने हेस्कोल के साथ डीलिंग की थी उनकी मीटिंग्स भी FIA के साथ अरेंज कर रहे हैं। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक मौकफ ये सामने आया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना डॉक्यूमेंटेड मौकफ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिसंबर 2021 में इस बारे में दे चुके हैं। उसके बाद आगे जो जिक्र होता है कि द फंडामेंटल चैलेंजेस आइडेंटिफाइड बाय नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेम फ्रॉम मटीरियल नेगेटिव रीस्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स विद एक्नॉलेजमेंट ऑफ फ्रॉड बाय हेस्कोल मैनेजमेंट एट दैट टाइम। और इस मौकफ को आपके सामने रखना इससे जरूरी था कि हम आपको बताना था कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम मुकम्मल तआवुन कर रहे हैं, जो जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग्स हमने अरेंज करवाई हैं FIA के साथ और हमारी भरपूर तरीके से FIA के साथ मुकम्मल हमांगी है इस सिलसिले में और ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ तक तो ये हो गया कि आपको हमने बताया कि किस तरीके से साल 2014 से साल 2020 के दौरान इनकी जो क्रेडिट फैसिलिटी थी उसमें मुसलसल इजाफा हुआ। इसके अंदर बैंक लोन्स भी शामिल थे, इसके अंदर फंडेड फैसिलिटीज़, अनफंडेड, यानी हर तरह की चीज़ें शामिल थी और ये बढ़कर 2 अरब से शुरू हुई 14 में, उसके बाद ये बढ़कर कहाँ तक पहुँची आपको तस्वीर हमने रखा। लेकिन FIA की रिपोर्ट के अंदर सनसनी हेज इंकशाफ ये हुआ कि इस रिपोर्ट में, उस तहकीकात में बात ये सामने आई कि दिस वॉज नॉट मेयर इनकॉम्पिटेंस, यानी ये नाअहली नहीं थी जो ये रेकलेस डिसीजन मेकिंग हो रही थी क्रेडिट कमिटीज़ में। FIA की रिपोर्ट तहकीकात में जो एग्जैक्ट अल्फाज सामने आए कि मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो जिसके बाद ये एक करप्शन का केस या मुबैना फ्रॉड का केस बनता है, कि द इन्वेस्टिगेशन हैज डिटर्मिंड दैट मेयर इनकॉम्पिटेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर, यानी इंस्टीट्यूशन फेलियर भी नहीं था, सिर्फ इंस्टीट्यूशन फेलियर नहीं था, नाअहली थी, बल्कि was not the sole cause of these reckless lending decisions. Evidences have been recovered which proves that HPL yani Hescol used to siphon off funds through middlemen for bribing their bankers. यानी यहाँ पर रिश्वत के हवाले से भी FIA को कुछ सबूत मिले हैं। ये तमाम जो लोन्स हुए, जो असल मामला है, जो माजरा है, वो ये है नाजीम के 2 अरब रुपए से बढ़कर जिस तरीके से ये कुछ माह के अंदर, कुछ साल के अंदर ये लोन बढ़कर 18 अरब 20 अरब और फिर उसके बाद एक सिंडिकेटेड फैसिलिटी भी रिसर्चिंग आई सामने, ये तमाम चीज़ें जो हुई इसके पीछे FIA की तहकीक़ात के मुताबिक बाकायदा ब्राइब यानी रिश्वत दी गई मुबैना तौर पर बैंकर्स को मिडिल मैन के जरिए। और FIA ने इस तहकीकात के अंदर तकरीबन 117 मिलियन रुपए का एक पेमेंट का जिक्र भी किया है, जो कि बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ताहिर अली नामी एक आदमी को की गई। ये तकरीबन 117 मिलियन जो 12 करोड़ रुपए अमाउंट बनती है, इसके बारे में FIA कहता है कि मुबैना तौर पे ये अमाउंट मिडिल मैन को दी गई और मिडिल मैन के जरिए ये अमाउंट बैंकर्स तक ब्राइब यानी रिश्वत के तौर पर पहुंची और इस रिश्वत के एवज
ये डिसीजन इन्फ्लुएंस हुए, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ना अहली थी जो क्रेडिट कमेटी में डिसीजन ले रहे थे, ना ये कह सकते हैं कि उन लोगों को पता नहीं था, ना ये कह सकते हैं कि उनका इंस्टीट्यूशनल फेलियर था, यानी नेशनल बैंक के बिहाफ पे इंस्टीट्यूशनल फेलियर था, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर का मामला है ये सारा जो मामला है, ये हम सबके टैक्सपेयर मनी का मामला है। ये जो नुकसान 54 अरब रुपए का हुआ है, ये हम सबका हुआ है, ये कौमी खजाने का हुआ है। तो इसलिए इस प्रोग्राम में आपको बताना ये बड़ा जरूरी है कि ये पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। 54 बिलियन यानी 54 अरब रुपए, हम कुछ अरब रुपए के लिए मुख्तलिफ बैंक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मांगते रहते हैं, तो ये 54 अरब रुपए का डिफॉल्ट जो है, ये दरअसल इसके पीछे FIA की तहकीकात बताती है कि रिश्वत भी दी गई और इस सिलसिले में कुछ FIA ने पेमेंट्स भी ट्रेस की। लेकिन यहां तक मामला नहीं हुआ, इस मामले में आगे भी बड़े दिलचस्प मोड़ आते हैं जब उनकी बैलेंस शीट को फेक तरीके से एस्केलेट किया गया, और ये बड़ी सनसनीखेज तफसीलात हैं। उनकी 2019 की ऑडिट रिपोर्ट पर आपको लेके चलेंगे जो 31 दिसंबर 2019 को मुरतब की गई। इस रिपोर्ट के अंदर किस तरह का बताया गया, एक ब्रेक के बाद आके आपको बताएंगे तफसीलन कि किस तरीके से उनके फिक्स फेक परचेज ऑर्डर्स के जरिए एस्केलेट किया गया और उसका फायदा किसको हासिल हुआ, और मजीद तफसीलात इस तहकीकात में जो सामने आई है। पाकिस्तान की तारीख का शायद FIA कमर्शियल बैंक कहती है कि सब में बड़ा जो मेगा फ्रॉड्स है उनमें से एक फ्रॉड है जिस पर FIA ने ये तमाम तफसीलात अनर्थ की है। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे, आपको मजीद फैक्ट्स बताएंगे हमारे साथ है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन आपके सामने एक मेगा फ्रॉड, आप FIA जिसको कहते हैं मेगा फ्रॉड, आपके सामने उसकी सनसनीखेज तफसीलात रख रहे हैं। जो तहकीकात में एग्जैक्टली बातें आई हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपको पहले, इससे पहले मैंने इस तरह कहा कि हमने मौकफ इन्हें सबसे पूछा भी है नेशनल बैंक का, आपको बताया कि क्या उनका ऑफिशियली मौकफ है, हैस्कोल की जो करंट मैनेजमेंट है उनका मौकफ भी आपके सामने रख देते हैं। उनके मुताबिक द बोर्ड एंड मैनेजमेंट ऑफ हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड सेड द कंपनी हैड बीन कोऑपरेटिंग विद द FIA's इन्वेस्टिगेशन इनटू HPL's पास्ट एक्टिविटीज टू इंश्योर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो हैस्कोल ने भी कहा है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी जो कंपनी है, वो FIA के साथ मुकम्मल तावुन कर रही है ताकि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, और उन्होंने साथ साथ कहा है कि इट हैड ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन बीइंग असेस्ड बाय द FIA टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और जो उनका करंट बोर्ड है उन्होंने क्लियरली कहा है कि द करंट तावुन कर रही है ताकि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, और उन्होंने साथ साथ कहा है कि इट हैड ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन बीइंग असेस्ड बाय द FIA टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और जो उनका करंट बोर्ड है उन्होंने क्लियरली कहा है कि द करंट बोर्ड एंड मैनेजमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द एलिगेशन एंड दैट एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हैज बीन फाउंड हैज ऑलवेज बीन वॉलंटरली डिस्क्लोज एज सून एज पॉसिबल। तो करंट मैनेजमेंट का वो कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पास्ट के इवेंट्स